नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे हस्तरेखा गुरु में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बुद्ध पर्वत से संबंधित भविष्यवाणी ज्योतिष का ज्ञान दूंगा। बुद्ध पर्वत पर उपस्थित कुछ चिन्ह या बुद्ध पर्वत का मतलब, बुद्ध पर्वत की स्थिति, हाथ में हथेली में इसका स्थान एवं इसका महत्व आपको जरूर समझाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और सबसे पहले तो हम यह जान लें कि बुद्ध पर्वत कहाँ होता है और हथेली में इसका क्या स्थान है और इसका क्या मतलब है। तो ध्यान से देखें मित्रों कि अगर हम दाहिने हाथ की हथेली को देखें या बाएं हाथ की हथेली के दो को देखें, दोनों ही हथेलियों में बुद्ध पर्वत का स्थान होता है और यह कनिष्ठिका अंगुली अर्थात सबसे छोटी अंगुली से ऊपर और हृदय रेखा से नीचे स्थित होता है। मित्रों, भविष्यवाणी में आप ये सबसे पहले जान लें, नोटिस कर लें कि आप यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखकर ना तो हाथ देख सकते हैं ना तो मतलब भविष्यवाणी को समझ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता। मेरे द्वारा तो यही कहा जाएगा कि YouTube पे आपको भविष्यवाणी देखनी है, हस्तरेखा शास्त्र सीखना है, कुछ समझना है तो समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम सही भविष्यवाणी, अचूक भविष्यवाणी और जो सारी चीज ज्योतिष में दिखी है ये सत्य है, ज्योतिष सत्य होता है कि नहीं, तो इसके लिए आप एक बार किसी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री को हाथ दिखाकर आजमा सकते हैं और उनकी भविष्यवाणी से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और मित्रों, मेरे पास तो कई बार आना जाना लगा रहता है, हस्तरेखा मैं देखता हूँ और हमारे पास कई लोग आते हैं। फिलहाल ये बात की बात है, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस पे आते हैं। हमारी बात हो रही है बुद्ध पर्वत के बारे में और इससे संबंधित जो कुछ है मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। हालांकि बहुत बृहद है, किसी एक ही पर्वत के बारे में बोलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसका अलग अलग रेखाओं से, पर्वतों से मेलजोल से संबंध होता है। फिलहाल जो बेसिक जानकारी होती है जितना एक चाहिए कि ये मतलब हस्तरेखा थे। देखो मेरा क्या मोटिव है मेरे चैनल का कि मैं चाहता हूँ कि आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, आप मतलब हस्तरेखा का ज्ञान रखें। और यही तक नहीं, जो जिज्ञासु हैं, जिनकी अच्छी प्रतिभा है, जो चाह रहे हैं कि मैं एक अच्छा ज्योतिषी बनूं, उनके लिए मैं बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता हूं क्योंकि मैं आगे चल करके अपने इसी चैनल पर हैंड एनालिसिस एक डालूंगा। हैंड एनालिसिस करके मैं विभिन्न व्यक्तियों के हाथ को देख करके एक मतलब बॉक्स में रखा हूं, उनकी प्रतिलिपियों को रखा हूं, जिनको मैं समझाऊंगा कि फला व्यक्ति का हाथ है, देखो इसमें किस प्रकार की रेखा है, उसने कैसे कैसे बाधाएं उसके पास आई, कैसे कैसे उसने अपना प्रोग्रेशन किया, कैरियर क्या था। तो ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, उससे आपका सही ज्ञान होगा, उससे आप हाथ देखना सीख जाओगे और बहुत ज्यादा जानकारी उससे आपकी बढ़ेगी। फिलहाल उसको उस जानकारी से पहले मैं आपको अगर बेसिक चीजें जो होते हैं हाथ में नहीं आपको पता रहेगा तो फिर वहां आपको समझ में नहीं आएगा या हमें वहां ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं और मेरे इस अच्छे सोच और बहुत बुलंदी पर लेके जाएं ताकि ये मेरा मोटिव सक्सेस हो सके। मित्रों, आपसे ये अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। मैंने इतना अपने बारे में या इतना मोटिव नहीं कहा किसी वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में कह रहा हूँ क्योंकि आज मुझे अपार खुशी हो रही है क्योंकि हमने 100 सब्सक्राइबर पूरा किया है और जो कि एक बहुत बड़ी है, अच्छी चीज है। क्योंकि भाई एक हुआ ना कि 100 सब्सक्राइबर आए तो कुछ वीडियोस अपनी पब्लिश हुई, अच्छी लगी लोगों को सब्सक्राइबर। तो प्लीज मित्रों, अगर वीडियो देख रहे हैं, हमारी पहली बार देख रहे हैं आप, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक मेरा अपना पर्सनल राय है कि मैं कह नहीं सकता अच्छा हस्तरेखा शास्त्री हूँ, परंतु हूँ, इतना कह सकता हूँ कि आपको बेहद अच्छी जानकारी दूंगा और आपको आश्चर्यचकित भी करूंगा। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वैसे मैं ज्यादा बोल दिया अपने बारे में, ठीक है कोई बात नहीं, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। माफ करना मित्रों, मैंने थोड़ा सा समय इधर व्यस्त किया। तो बुद्ध पर्वत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बुद्ध पर्वत के बारे में मैं आपको इतना मैं बताना चाहूंगा कि बुद्ध पर्वत हथेली में होता कहाँ है। सबसे पहले तो आपको यही बताऊं होता कहाँ है। ये हमारी कनिष्ठिका अंगुली अर्थात ये अंगुली कनिष्ठिका अंगुली है, आप सब लोगों को पता है, भली भांति पता है कि ये कनिष्ठिका अंगुली है। इसके ऊपर मतलब ये हाँ हस्तरेखा में ये जान जाए कि यहां से अगर इधर जा रहे हैं तो ऊपर है इधर जाने पर, और ये हमारी हृदय रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, जो रेखा ये गई है ये हृदय रेखा ये, तो इससे नीचे ये नीचे का स्थान माना जाएगा और कनिष्ठिका अंगुली से ऊपर ये बुद्ध पर्वत का स्थान होता है। मैं चित्र में दिखा दे रहा हूँ आपको, अच्छे से आपको आएगा समझ में। तो हृदय रेखा विभिन्न क्षेत्रों से प्रारंभ हो सकती है, जैसे कभी कभी ये गुरु क्षेत्र से, कभी शनि, ये तो मैं अपने आगे वीडियोज में आपको समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे चैनल बढ़ेगा। तो ये हमारी जो है हृदय रेखा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ,
ये हमारी हृदय रेखा, मान लीजिए ये है हृदय रेखा हमारी, ये हृदय रेखा है। जो हमारी हृदय रेखा है इससे नीचे की तरफ देखो, हमने पितृवांगित किया, ये बुद्ध पर्वत, और ये हमारी कनिष्ठिका अंगुली है, कनिष्ठिका अंगुली है, कनिष्ठिका अंगुली से ऊपर ये बुद्ध पर्वत का स्थान होता है। मित्रों देखो, ज्योतिष सच्चाई है, ज्योतिष में ये अंधविश्वास नहीं है, बस इसमें एक क्या कहिए कि अच्छा कुशल ज्योतिषी होना चाहिए, जिसको मैं भी बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी जो हूँ आप लोगों की कृपा से हूँ। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि कीरो इतना जानकार था कि आप, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, आप खुद पढ़ सकते हैं, नेट से जाकर के देख लें, पढ़ लें। बहुत जानकार था और बहुत अचूक भविष्यवाणी के लिए माना जाता था। तो मैं इतना बस कहूंगा कि हस्तरेखा शास्त्र सही है, हम लोग नियमों कानून चले और उसका पालन करें तो जरूर कहीं ना कहीं सफलता मिलने वाली है। तो ये हमारी हृदय रेखा बुद्ध पर्वत की सबसे पहली अहम बात मैं आपको बता दूं, नोटिसेबल है, इसको ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का बुद्ध पर्वत अच्छा होता है अर्थात विकसित होता है, मैं अपने दूसरी तीसरी वीडियोस में बता चुका हूं कि क्या पर्वत विकसित का क्या मतलब, उसमें से देखने जाके। तो विकसित बुद्ध पर्वत का ये मतलब होता है कि बहुत ऊंचा ना उठा, बहुत ज्यादा ओवर डेवलप ना हो और बहुत लो भी ना हो, तो वो विकसित बुद्ध पर्वत कहलाएगा। यदि किसी व्यक्ति का बुद्ध पर्वत विकसित है अर्थात सुदृढ़ है, अच्छा है, सबल है, तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा गणितज्ञ हो सकता है। शनि अगर उसके साथ उठा हुआ है, शनि की बात अभी हम अगले वीडियोस में करेंगे, परंतु अभी इतना कहता हूं, अगर उसके साथ शनि भी उठा है तो व्यक्ति पक्का गणितज्ञ है, और बुध से ही अगर अच्छा है तब भी वह व्यक्ति गणितज्ञ हो सकता है, राजनीतिज्ञ भी कुशल हो सकता है, वकील भी हो सकता है, और ज्योतिषी होने के लिए एक खास शर्त होती है जो अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो अच्छे बुद्ध पर्वत वाले व्यक्ति गणितज्ञ होते हैं। दूसरी इनकी खास बात मैं आपको नोटिस करवा दूं कि ये आप देखने पाएंगे, किसी भी व्यक्ति की आप हस्तरेखा देखें अगर इस इच्छा है आपकी, तो उसकी बुद्ध पर्वत को नोटिस करें। अगर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का बुद्ध पर्वत विकसित है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात तुरंत भांप लेगा, वह आगामी घटनाओं का जानकार भी हो सकता है, उसे कुछ घटनाएं पहले ही मालूम हो जाती हैं। ऐसे लोग दूसरे लोग के मन की बात पढ़ लेते हैं, ऐसे लोग के साथ अगर कोई धोखा छल होता है तो इन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि फला व्यक्ति, फला जो भी व्यक्ति है जैसा भी है वहां से गड़बड़ होने वाला है, व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता है। इनसे चतुराई खेलना आसान नहीं है, ये उड़ती हुई चिड़िया को परख लेते हैं, ये अच्छे बुद्ध पर्वत के लक्षण है। यदि आपके हाथ में भी बुद्ध पर्वत अक्षा बना है तो आपके हाथ में भी उपयुक्त लक्षण जरूर होंगे। मित्रों अभी हमारी बुद्ध पर्वत की बात खत्म नहीं हुई है, अभी बुद्ध पर्वत से हमें बहुत जानकारियां लेनी है और बहुत बताना है मुझे। तो ये बुद्ध पर्वत के दो कैटेगरीज तो मैंने आपको बता दिए हैं, अभी मैं बता दे रहा हूं आपको कि बुद्ध पर्वत, अच्छा कोई भी पर्वत बहुत ऊंचा उठा और बहुत नीचे दबा होना शुभ नहीं माना जाता है। यहीं बुद्ध पर्वत अगर बहुत ऊंचा उठा हुआ है तो व्यक्ति अविश्वासी होता है और उस पर विश्वास नहीं किया सकता, झगड़ालू होता है और मतलब उल्टा अनाप शनाप जो भी जैसे आता है बोल सकता है व्यक्ति, बहुत चातुर्य स्वभाव का रहेगा और अपना स्वार्थ जरूर सिद्ध करेगा। बहुत ऊंचा बुद्ध पर्वत, ये ध्यान देने वाला, और बहुत नीचा है तो उसकी दयनीय स्थिति खराब ही रहेगी, क्योंकि बुध का नीचा होना शुभ नहीं माना गया है मित्रों। और सबसे बात मैं बता दूं कि किसी चोर की अगर आपको परख करनी हो, सबसे अहम बात, तो उसके बुध पर्वत पर एक चिन्ह अगर दिखाई दे तो यह व्यक्ति पक्का चोर होता है, चोर रहेगा, अविश्वासी रहेगा, ठगी रहेगा, इस बात को नोट करना। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड ठग कर सकते हैं, हालांकि ये चिन्ह बहुत कम ही आता है, जैसे हस्तरेखा है ऐसे डायरेक्ट नहीं चिन्ह छपा रहेगा कि आप तुरंत उसको पकड़ दो, भाई ये चोर है, चोर है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो चिन्ह हो जाए, प्रोबेबिलिटी है, संभावना कि वो चिन्ह हो सकता है, कम ही पाया जाता है, परंतु पाया जाता जरूर है। और भी तरीके हैं हस्तरेखा में चोर को पहचानने के, परंतु एक चिन्ह है जिसको मैं आपको, अगर बुद्ध पर्वत की बात हो रही है तो साथ साथ में बताते चलूं ताकि आपको उसका भलीभांत ज्ञान हो जाए। तो वो चिन्ह मैं आपको बता दूं, वो होता है तारा जिसे बोलते हैं स्टार, स्टार का चिन्ह आपने देखा होगा, अभी मैंने बनाया, ये बुद्ध पर्वत हमारा है और बुद्ध पर्वत पर स्टार का चिन्ह अगर होता है, बुद्ध पर्वत यहाँ है और इस पर अगर स्टार का चिन्ह बना होता है तो ऐसे व्यक्ति चोर, अविश्वासी, ठगी होते हैं। चिन्ह जब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी हस्तरेखा में मैं अच्छी भविष्यवाणी के लिए एक कोशिश करता हूँ, मैं बता रहा हूँ चिन्ह एकदम स्पष्ट बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी रेखाएं घेरी हूं उसको, एकदम दिखना चाहिए कि हाँ ये तारा लग रहा है, होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति यही होगा बुध पर्वत पर। हालांकि और भी मतलब मत हैं, और भी ज्योतिषी हैं, उनकी अलग अलग राय है, लेकिन मेरे अनुसार यही है, कीरो के अनुसार भी यही हो,
मैंने पढ़ा जाना, तो ये नोटिस था। दूसरी बात, बुद्ध पर्वत जरूरी नहीं अकेला उठा, बहुत लोगों के मैंने देखा, मैं तो हस्तरेखा देखता हूं तो मुझे बहुत बार मिला है कि बुद्ध पर्वत जो है मतलब सूर्य पर्वत के साथ उठा हुआ, मतलब इसका आप ध्यान से मतलब समझे, ये ज्यादातर लोगों में हाथ में मिल भी सकता है, नहीं में मिल सकता है जैसे भी। और ये मैं आपको बता दूं कि बुद्ध पर्वत अगर मतलब अकेले नहीं उठा किसी के साथ, जैसे मेरा ही ध्यान देखें, मैं अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, मेरा हाथ देखें तो मेरे हाथ में ये बुद्ध पर्वत है, आपको कम उठा नजर आएगा, लेकिन ये जगह है आप अगर ध्यान से देखें तो उठी नजर आएगी, ये जगह जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ अपने अंगूठे से, ये जगह उठी है, तो ये मेरा बुद्ध इसी के साथ है, सूर्य के साथ है। यहाँ हमने अभी बनाया है चित्र में सूर्य पर्वत, ध्यान से देखें, सूर्य पर्वत के बारे में मैंने बताया, ये बुद्ध पर्वत, तो ये मेरा यहाँ पूरा एग्जैक्ट उठ के नहीं, मतलब यहाँ पूरा नहीं उठा मेरा, ये थोड़ा सा इसके साथ उठा, सूर्य के साथ उठा, बहुत नोटिसेबल बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं फ्रॉड वाली ज्योतिष मैं मुझे नहीं पसंद है, बहुत सारे फ्रॉड भी हैं यूट्यूब पे, परंतु मैं एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो आप ध्यान से देखें तो सूर्य किसके साथ है, बुद्ध के साथ, मेरा सूर्य सॉरी मेरा बुद्ध सूर्य के साथ है, मतलब ये उठा तो है लेकिन कम है, इसके साथ ये उठा, यहाँ ज्यादा उठा है, मतलब क्या मेरा बुद्ध इसके साथ है और सूर्य भी इधर से इधर आया, मतलब मेरा दोनों एक साथ है। तो मैं बता दूं ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं जिसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूं, मैं खुद हूँ, मैं लगभग 4 सालों से हस्तरेखा देखता हूँ, और ये अपने बारे में नहीं मुझे बोलने का समय है, परंतु मैं इतना कह रहा हूँ कि ये ज्योतिषी के लक्षण है, और ये ज्योतिषी के लक्षण होते हैं, अगर बुद्ध किसी व्यक्ति का बुद्ध जो है सूर्य की तरफ हो तो वह ज्योतिषी का लक्षण है। और मित्रों एक बात और मैं बता दूं कि मैं नोटिसेबल बात बता रहा हूं आपको, जानकारी जो एकदम सत्य प्रमाणित है, विश्वास ही बहुत बड़ी चीज है, विश्वास भाई नहीं है तो बात अलग, विश्वास नाम की चीज होनी चाहिए जीवन में। मैं बात ये आपसे बताना चाहता हूँ जाते वाते, बात अपनी समाप्त करते, क्योंकि मैंने कहा था ना बहुत बृहद होता है, एक ही चीज पे बोलते रह जाओ, परंतु मित्रों वीडियो बड़ी होने की वजह से मैं छोटा कर रहा हूँ, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड मतलब बुद्ध के बारे में ही मैं और नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा, आप देख सकते हैं नीचे आके पार्ट 1 2 कर दे रहा हूँ मैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने अभी जल्दी ही हस्तरेखा देखी लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर, और एक सज्जन आए मेरे पास हाथ दिखाने, मैं उनकी तुरंत दो बातें बता दे रहा हूँ, हालांकि मैं हैंड एनालिसिस जब डालूंगा तो उनका हाथ जरूर दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े। मैं बता दूं उस व्यक्ति का बुद्ध पूर्ण विकसित था, उस व्यक्ति का बुद्ध पूर्ण विकसित था, ध्यान से सुने हमारी बात, और सूर्य भी पूर्ण विकसित था, मैं सत्य कह रहा हूं, और शनि भी विकसित, सूर्य कम ही विकसित था, शनि बुद्ध बहुत विकसित थे, गुरु भी आगे था, गुरु ज्ञान का प्रतीक, शनि न्याय का प्रतीक और गणितज्ञ का भी प्रतीक, बुद्ध मैंने पहले ही बताया गणितज्ञ का, इन तीनों पर्वतों के अच्छे विकसित होने के कारण और भाग्य रेखा जहां से अच्छी थी उनकी, जिस समय से उनका भाग्य बहुत चरचराया था, उस भाग्य रेखा के अच्छे होने के कारण वह व्यक्ति बैंक में मैनेजर था, इसका जीता जागता प्रमाण मैं खुद हूँ, मैं हैंड एनालिसिस में उस व्यक्ति का हाथ जरूर आपको दिखाऊंगा, तो वहां भी नोट कराऊंगा। मित्रों वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए क्षमा करें, मैं अपनी बात को यहीं बंद करना चाहता हूँ, आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको दूंगा। मित्रों अगर अच्छी लगे हमारे चैनल के बारे में कुछ सत्यता आपको लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से ज्योतिष का एक अच्छा ज्ञान समाज में पहुंचे और लोगों का भला हो, फ्रॉड से बचा जाए, ठगी व्या विश्वासी से बचा जाए, एक कोशिश मेरा समाज के लिए जरूर रहेगा। धन्यवाद मित्रों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।